मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने कवर किया था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में कि रूडकी इमल्शन को कैसे ट्रीट करते हैं, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से टाइप के इक्विपमेंट अपन और इमल्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि क्रूड ऑयल का डीसॉल्टिंग प्रोसेस कैसे होता है और डीसॉल्टिंग अपन क्यों करते हैं और डीसॉल्टिंग करना क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्रूड ऑयल डीसॉल्टिंग प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, तो क्रूड ऑयल डीसॉल्टिंग क्या होता है बेसिकली कि रिमूविंग वाटर सॉल्युबल सॉल्ट फ्रॉम एन ऑयल स्ट्रीम इज कॉल्ड ऑयल डीसॉल्टिंग। ठीक है, तो ऑयल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है सेपरेटर से रिमूव करने के बाद और ऑयल इवन इमल्शन ट्रीटमेंट के बाद भी उसके अंदर जो ऑयल के साथ कुछ वाटर प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो उनको अगर अपन उस सॉल्युबल वाटर मतलब जो वाटर है उसके अंदर जिसके अंदर सॉल्ट वगैरह ऑलरेडी सॉल्युबल है या उसके अंदर घुले हुए हैं, ठीक है, तो उस वाटर को रिमूव करने को अपन बोलते हैं डीसॉल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, अब ये सॉल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके, या तो ये जनरली क्या डिसॉल्व सॉल्ट में जनरली NaCl हो सकता है या मैग्नीशियम या कैल्शियम कंटेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद अपन बोलते हैं कि मेजोरिटी ऑफ प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर इज रिमूव बाई सेपरेशन से जो सेपरेटर में था उसके वहाँ पे जो वाटर अपन ने रिमूव किया तो उसके साथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो भी सॉल्ट कंटेंट था क्योंकि वाटर रिमूव हुआ है और वाटर के अंदर ही डिसॉल्व अमाउंट में अपने पास सॉल्ट प्रेजेंट थे तो जो प्रोड्यूस वाटर सेपरेटर पे अपन ने सेपरेट किया है या फिर जैसे इमल्शन ट्रीट किया है तो वहाँ पे भी अपन वाटर को रिमूव करते हैं तो उसके सेपरेशन एंड ट्रीटमेंट के थ्रू अपन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट वगैरह है डिसॉल्व सॉल्ट है उनको अपन रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सी बार क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल है रिफाइनरी को अपन जो भेजते हैं उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी में अभी भी कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये एंट्रेंट जो भी वाटर है उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है डिसॉल्व अमाउंट में देन उसका क्या होगा कि ये वाटर तो क्या होगा विच इज ड्रिवन ऑफ एज ए स्ट्रीम। अगर जैसे वो रिफाइनरी के इक्विपमेंट्स में जाएगा या जैसे हीट एक्सचेंजर वगैरह में जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि जो भी वाटर है वाटर तो क्या होगा स्टीम या भाप बन के निकल जाएगा। ठीक है, बट जो उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट है वो क्या होगा एक क्रिस्टल की क्रिस्टलाइज होगा और क्रिस्टलाइज होके वो जो रिफाइनरी के इक्विपमेंट है उनके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, और उसके डिपॉजिट होने से क्या होगा द सॉल्ट देन क्रिस्टलाइजेस एंड रिमेंस सस्पेंडेड इन द ऑयल और डिपॉजिट एज ए स्केल विद इन द हीट एक्सचेंजर्स। ठीक है, तो जो भी वाटर अगर स्टीम ऑफ हो गया है देन क्या होगा कि जो भी उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट थे वो हीट एक्सचेंजर के अंदर या तो स्केल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे और क्रिस्टलाइज होके वहीं पे डिपॉजिट होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो एफिशिएंसी है इक्विपमेंट की वो रिड्यूस होती है उनमें कोरोजन या स्केलिंग टेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है तो उनकी जो हीट एक्सचेंज करने की कैपेसिटी है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, ऑल्सो दीज सॉल्ट क्रिस्टल्स डीएक्टिवेट कैटलिस्ट बैड एंड प्लग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। उसके अलावा क्या होता है कि जो भी कहीं कहीं पे अपन कैटलिस्ट बेड वगैरह यूज करते हैं कैटलिस्ट बेड आपके वहाँ पे यूज किया जाता है जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है या जो जनरली नेचुरल गैस की जहाँ पे बात करते हैं तो वहाँ पे यूज होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो भी एसिडिक गैसेस होती है उनको अपन एक क्रिस्टलाइज कैटलिस्ट बेड होता है उसके थ्रू पास करते हैं वहाँ पे एसिडिक गैसें आपकी गैसेस जो भी होती है वो रिमूव होती है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो वो उनकी एफिशिएंसी को कम कर देगा उनको प्लग कर देगा। ठीक है, उसके अलावा उसके डाउन स्ट्रीम में जितने भी मतलब उसके आगे की प्रोसेस में जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं उनको भी प्लग कर सकता है। ठीक है, सो रिफाइनरीज का एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, विद ऑयल कंपनीज जिनसे वो रिफाइनरी अपना क्रूड ले रही है उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उसमें क्या होता है कि वो स्पेसिफाई करके देता है। ठीक है, स्पेसिफाई द सॉल्ट कंटेंट इन द क्रूड ए रेंज ऑफ 10-20 पाउंड्स पर 100 बैरल्स। ठीक है, वो एक स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट उसका जो साइन होता है कि आप जो भी हमें क्रूड ऑयल देंगे उस क्रूड ऑयल में वो अग्रीमेंट साइन करके बोलते हैं कि इतना स्पेसिफाइड सॉल्ट कंटेंट आपके क्रूड ऑयल के अंदर इतना इस पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए। ठीक है, तो उस रेंज तक आपको सॉल्ट कंटेंट को रिमूव करके देना होगा क्रूड ऑयल को। ठीक है, या फिर अगर ग्राम में देखेंगे तो 3-6 ग्राम पर मीटर क्यूब में होगा। ठीक है, टू सेटिस्फाई द रिफाइनरीज अपस्ट्रीम कंपनीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म
ऑयल रीसॉल्टिंग, ठीक है, रिफाइनरी के स्पेसिफिकेशन को मीट करने के लिए या उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो क्राइटेरिया उसने अपने बॉन्ड में साइन किया है, इसलिए अपन को जो भी ऑयल कंपनीज है या अपस्ट्रीम सेक्टर में जो काम कर रही है, जो क्रूड ऑयल को सप्लाई कर रही है रिफाइनरी को, उनको उनके स्पेसिफिकेशन को मीट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई अपन को क्रूड ऑयल का डीसॉल्टिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। डीसॉल्टिंग जो प्रोसेस होता है, जनरली अपन जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक हीटर ट्रीटेड था उसको यूज कर सकते हैं, जनरल अगर डीसॉल्टिंग प्रोसेस अपन को यूज करना है, ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है डीसॉल्टिंग एंड डिहाइड्रेशन, ये दो पार्ट होती है, दो चीजें होती है जो अपन पैरेलली करते हैं। अपन ये कर सकते हैं कि पहले डिहाइड्रेशन प्रोसेस कर ले, देन डीसॉल्ट। जनरली ये होता है कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस मतलब वाटर पेपर और वाटर को पहले रिमूव कर दें, क्योंकि अपन को पता है कि जितने भी डिजोल्व सॉल्ट्स हैं वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अगर वाटर को अपन ने रिमूव किया देन अल्टीमेटली अपना जो सॉल्टिंग जो सॉल्ट कंटेंट था उसके अंदर डिजोल्व वो भी रिमूव हो गया, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस पहले होता है देन डिसॉल्टिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर डिहाइड्रेशन प्रोसेस के बाद भी उसमें जो स्पेसिफिक रेंज है उसके अंडर वो सॉल्ट कंटेंट नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा है, देन अपन उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। द सॉल्ट कंटेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वाटर, ठीक है। ये सॉल्ट कंटेंट है वो डायरेक्टली किससे रिलेट करेगा कि जितना रेजिडुअल अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, ऑब्वियसली क्योंकि जितने भी सॉल्ट प्रेजेंट है वो किसमें है डिजॉल्व फॉर्म में वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो डायरेक्टली उससे अपन रिलेट करेंगे कि जितना अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा उतना अमाउंट में अपना सॉल्ट कंटेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। एनी डिवाइस दैट रिमूव वाटर फ्रॉम ऑयल कैन ऑल्सो बी यूज एज द डिसॉल्टर, ठीक है। कोई भी ऐसी डिवाइस जो ऑयल में से वाटर को रिमूव करे उसको अपन एज ए डिसॉल्टिंग प्रोसेस के लिए इक्विपमेंट के एज ए डिसॉल्टिंग इक्विपमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन ने इमल्शन ट्रीटमेंट में देखा कि वो क्या कर रहा था, इमल्शन को ट्रीट कर रहा था, मतलब जो वाटर एंड ऑयल का इमल्शन क्रिएट हुआ था उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स को सेपरेट करके वाटर को रिमूव कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो जो भी ऐसे कोई भी इक्विपमेंट जो जैसे सेपरेटर है वो भी उसमें अपन वाटर रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद जो हीटर ट्रीटर है अपना उसमें भी वाटर रिमूव करते हैं, ठीक है। तो जितने भी इक्विपमेंट है जो कोई भी इक्विपमेंट या डिवाइस जो वाटर को रिमूव करेगी उसको अपन एज ए डिसॉल्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली अपन जो मेजोरिटी ऑफ डिसॉल्टर जो एम्प्लॉय करते हैं वो होते हैं हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रीटर्स, ठीक है। उसमें अपन ने जैसे पहले डायग्राम में देखा था कि यहाँ पे ग्रिड्स लगे होते हैं, चार्जिंग प्लेट्स होती है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसको फिर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, फिर वो पर्टिकुलर वोल्टेज अपन प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू वो क्या करता है कि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको एक चार्ज प्रोवाइड करता है, फिर वाटर ड्रॉपलेट आपकी कोयलांस होगी, कोलाइड होगी, बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट होगी, देन वो उसमें से सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक हीटर ट्रीटर जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है, वो होता है, उसको एज ए डिसॉल्टर भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्रूड ऑयल इसके अंदर अपन पंप करते हैं वो जनरली अबव द बबल पॉइंट रखते हैं कि क्रूड ऑयल का जो भी बबल पॉइंट प्रेशर है उससे अबव अपन उसमें इंट्रोड्यूस करें उसको, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द क्रूड ऑयल टू बी डिसॉल्टेड इज डिटरमाइंड बाय अपस्ट्रीम हीट एक्सचेंजर्स, ठीक है। अब जो डिसॉल्टिंग के लिए अपन क्रूड ऑयल यूज करने वाले हैं, जिसके डिसॉल्टिंग प्रोसेस होने वाली है, उसका टेम्परेचर रेंज क्या रहने वाला है, कितना कि अपन उसको और हीट प्रोवाइड करें या नहीं करें या डायरेक्टली उसको फीड करें, ठीक है। तो वो उसके ऊपर जो भी इक्विपमेंट लगाया है, अगर अपन ने हीट एक्सचेंजर लगाया है वहाँ पे भी, ठीक है, तो उससे पता कर लेंगे, ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि उसमें जो अपना डी सॉल्टर है उसके अंदर अपन को हीटिंग सेक्शन ऐड करना है या फिर डी गैसिंग का सेक्शन ऐड करना है या नहीं है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका डिजाइनिंग करते हैं अपन कि उसको और हीट का रिक्वायरमेंट है या उसके टेम्परेचर को और इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डीसॉल्टिंग प्रोसेस, ठीक है, डीसॉल्टिंग प्रोसेस होता कैसे, ठीक है। तो डीसॉल्टिंग जो प्रोसेस होता है वो जनरली डीसॉल्टिंग प्रोसेस में अपन क्या कर रहे हैं कि सॉल्ट को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो डीसॉल्टिंग प्रोसेस होता है वो जनरली दो स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अपन जो भी अपना क्रूड ऑयल या ऑयल स्ट्रीम आ रही है उसको
उसको डाइल्यूट करते हैं सिंपल फ्रेश वाटर के साथ, ठीक है, उसका डाइल्यूशन करते हैं ताकि उसके अंदर का जो सॉल्ट कंटेंट है वो कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अपन करते हैं उसका फर्स्ट स्टेप टू मिक्स फ्रेश वाटर विद द एंटरिंग प्रोड्यूस वाटर विद विच डाइल्यूट द प्रोड्यूस वाटर, ठीक है। तो जो भी जिसके अंदर जो वाटर अपना प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर डिजोल्व सॉल्ट है उसको क्या करते हैं अपन फ्रेश वाटर के साथ मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग इक्विपमेंट यूज होते हैं अलग अलग, ठीक है, थ्रॉटलिंग वॉल्व वगैरह भी यूज होते हैं जो मिक्सिंग प्रोवाइड करते हैं, वो उसको डाइल्यूट करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका ये होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका है डिहाइड्रेशन, उसके बाद अपन क्या करते हैं कि जो भी वाटर है उसको अपन रिमूव करते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द क्रूड ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट, दिस डाइल्यूशन एंड डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस इन लोअर सेलिनिटी इन द रेसिडुअल वाटर इन द क्रूड ऑयल, ठीक है। अब ये जो डाइल्यूशन एंड डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा वो क्या करेगा, क्रूड ऑयल के अंदर जो भी अपना प्रोड्यूस वाटर है या रेसिडुअल वाटर है उसके अंदर जो सेलिनिटी है, जो सॉल्ट कंटेंट है उसको रिड्यूस करेगा, डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि अगर वाटर का कम अमाउंट है और उसके अंदर ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है देन उसकी सेलिनिटी ज्यादा होगी, पर अगर मैंने उसके अंदर और फ्रेश वाटर ऐड कर दिया है देन क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा और उसके अंदर वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा तो सॉल्ट कंटेंट या उसकी सेलिनिटी अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, तो वाटर फॉर डाइल्यूशन, जो वाटर यूज करते हैं अपन डाइल्यूशन के लिए वो प्रोड्यूस वाटर के अलावा कोई भी वाटर हो सकता है, वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और दूसरा वाटर भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो क्रूड ऑयल डी सॉल्टिंग प्रोसेस है ये दो टाइप की होती है, एक होता है आपका सिंगल स्टेज डी सॉल्टिंग प्रोसेस, एक होता है आपका टू स्टेज डी सॉल्टिंग प्रोसेस, उसके अलावा आपका तीसरे टाइप का होता है वो होता है इलेक्ट्रो स्टेटिक डी सॉल्टर, ठीक है। तो फर्स्ट अपना देखते हैं फर्स्ट सिंगल स्टेज डी सॉल्टिंग प्रोसेस। अब सिंगल स्टेज डी सॉल्टिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये आपका सिंगल स्टेज डायग्राम है, डायग्राम में अपन क्या करें कि सिंपली यहाँ से अपना ऑयल जो भी है जिसकी डी सॉल्टिंग करनी है वो आपका ऑयल यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, ये ऑयल स्ट्रीम यहाँ से एंटर करेगी, आपका जो भी क्रूड ऑयल है जिसका अपन को डी सॉल्टिंग प्रोसेस करना है वो क्या होगा, और फिर ये जो ऑयल आ रहा है ऑयल फीड में उसमें अपन क्या करेंगे डाइल्यूशन वाटर डालेंगे, मतलब फ्रेश वाटर डालेंगे, ठीक है। और ये दोनों क्या होंगे आगे जाके यहाँ पे एक मिक्सर लगा है, ठीक है, ये मिक्सर का काम क्या होगा कि इन दोनों को मिक्सिंग करने का काम करेगा, थ्रॉटलिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देन उसके बाद ये जो मिक्सिंग हुई है उसके बाद ये जाएगा डी सॉल्टर में, डी सॉल्टर में क्या होगा कि जितना भी वाटर अपन ने ऐड किया वो वाटर आ जाएगा यहाँ पे बाहर आउटलेट पे मिल जाएगा, ठीक है, और जो क्लीन ऑयल होगा वो अपन को यहाँ पे मिल जाएगा और इस क्लीन ऑयल को अपन फर्दर जो भी पाइपलाइन के थ्रू या टैंकर्स के थ्रू रिफाइनरी को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए चला जाएगा, ठीक है। अब ये वाटर है वो अपन डिस्पोज कर लेंगे एनवायरमेंट में, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जनरली अपन क्या करते हैं, इन द सिस्टम द डाइल्यूशन वाटर इज इंजेक्टेड इन टू द ऑयल स्ट्रीम, मतलब जैसे ही अपना डाइल्यूशन वाटर ऑयल स्ट्रीम जो भी ऑयल जिसको डी सॉल्टिंग प्रोसेस में यूज करना है, ठीक है, द ऑयल देन एंटर्स द डी सॉल्टर, मिक्सिंग हुई देन डी सॉल्टर में गया, वहां पे क्या हुआ वाटर को अपन ने रिमूव कर दिया, वाटर रिमूव कर दिया तो अपन को वहां पे क्लीन ऑयल मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका टू रिड्यूस डाइल्यूशन वाटर रिक्वायरमेंट्स, अगर अपन को ये जो डाइल्यूशन वाटर अपन ऐड कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट को अगर रिड्यूस करना है अपन को, ठीक है, या कम करना है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में अपन को डाइल्यूशन वाटर चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं कि जो डी सॉल्टिंग प्रोसेस हो रही है उससे पहले अपन डिहाइड्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होगा कि अपन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो प्रोड्यूस वाटर है उसको अगर रिमूव कर देंगे तो अपन को उसको डाइल्यूट करने के लिए अगर कम अमाउंट में, जैसे कि अपन को पहले अपने पास 10 लीटर्स ऑफ वाटर था, अगर उसमें से मैंने प्रोसेस करके डिहाइड्रेट करके 5 लीटर्स रिमूव कर दिया है देन 5 लीटर को डाइल्यूट करने के लिए मुझे एक तो मुझे 10 लीटर्स को डाइल्यूट करने के लिए वाटर अमाउंट चाहिए था वो ज्यादा होगा कंपेयर टू 5 लीटर को डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस अगर उससे पहले कर देते हैं तो डाइल्यूशन वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो अपने कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका है सिंगल स्टेज डी सॉल्टर प्रोसेस या सिंगल स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू स्टेज डी सॉल्टिंग प्रोसेस। अब टू स्टेज डी सॉल्टिंग प्रोसेस में क्या है कि इसमें जो भी फर्स्ट स्टेप के बाद आपका डाइल्यूशन
वाटर जो मिल रहा था उसको अपन ने क्या करा, सेकेंड स्टेज के बाद जो भी दो डी सॉल्टर लगा दिए और सेकेंड वाले डी सॉल्टर से जो भी वाटर मिल रहा है अपन को डिस्पोजल के लिए, उसको अपन क्या करते हैं कि वापस रिसाइकिल करके रीयूज कर रहे हैं किसके लिए, फर्स्ट स्टेप में डाल रहे हैं एज ए डाइल्यूशन वाटर। ठीक है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे होगा। डायग्राम में देखते हैं कि जैसे ये वाला है सेम है आपका सिंगल स्टेज की तरह, बस इसमें मॉडिफिकेशन क्या है कि यहाँ से जैसे अपना ऑयल स्ट्रीम जा रहा था यहाँ से अपन ने डाइल्यूशन वाटर ऐड किया, यहाँ से डाइल्यूशन वाटर ऐड हुआ। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे मिक्सिंग हुई, यहाँ पे मिक्सर वन लगा रखा है। ठीक है, फिर अपना फर्स्ट स्टेज डी सॉल्टर लगा हुआ है, इसमें क्या होगा डी सॉल्टर में जो वाटर अपना है वो डिस्पोजल के लिए चला जाएगा। ठीक है, फिर वापस यहाँ से जो फ्रूट मिला उसको नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, वापस डी सॉल्टिंग डाइल्यूशन वाटर ऐड कर रहे हैं, फिर मिक्सिंग हो रही है, फिर वो जा रहा है सेकेंड स्टेज डी सॉल्टर में। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज डी सॉल्टर में क्या हो रहा है, अपना यहाँ पे क्लीन ऑयल मिल रहा है और वाटर भी मिल रहा है, कौन सा डिस्पोजल के लिए, डिस्पोजल के लिए वाटर मिल रहा है। अब ये जो डिस्पोजल के लिए वाटर मिल रहा था उसको अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक रिसाइकिलिंग के लिए एक पंप ऐड कर दिया, रिसाइकिल पंप, और ये क्या करेगा इसको वापस प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके जो फर्स्ट स्टेप के लिए अपन डाइल्यूशन वाटर ऐड कर रहे थे उसको यूज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो वाटर वेस्ट हो रहा था बार बार अपन उसको एनवायरमेंट में डिस्पोज कर रहे थे, तो अपन क्या करेंगे एनवायरमेंट में डिस्पोज नहीं करके उसको वापस एज ए डाइल्यूशन वाटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक डी सॉल्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक डी सॉल्टर में क्या होता है कि जनरली जो अपनी प्रोसेस है, इफ द सेपरेटेड ऑयल कंटेन्स अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अगर जो भी सेपरेटेड अपना ऑयल है उसके अंदर ऐसे कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है जो कि अनएक्सेप्टेबल अमाउंट में प्रेजेंट है, लाइक कि जिसको अपन रिफाइनरी आगे एक्सेप्ट नहीं कर रही, और जो अपने फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड टू स्टेप जो डी सॉल्टर प्रोसेस किया है उसके बाद भी कुछ डिजोल्व सॉल्ट्स ऐसे हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उनको रिमूव करने के लिए अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक डी सॉल्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, इट कैन डिजोल्व अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट्स, इट कैन बी रिमूव्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डी सॉल्टर द सॉल्ट विच मे बी सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड कम्स फ्रॉम द रिजर्वर विद द प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, जनरली ये क्या होता है कि जो भी सॉल्ट कंटेंट है, जो भी अपना रिजर्वर है जहाँ से क्रूड ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ आ रहा है। ठीक है, अपन ने सेपरेटर में वाटर को जितना अमाउंट में रिमूव कर सकते थे कर चुके हैं। ठीक है, फिर अपन ने जो डी सॉल्टर प्रोसेस करना था, डिहाइड्रेशन प्रोसेस करना था, उसके बाद भी कुछ ऐसे सॉल्ट हैं प्रेजेंट है जो रिफाइनरी आगे एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्रूड ऑयल, तो अपन क्या करते हैं कि उसको वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक डी सॉल्टर प्रोसेस में डालते हैं, वहां पे उस जो भी सॉल्ट प्रेजेंट है उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप रिफाइनरी को क्रूड को सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपका क्रूड ऑयल डी सॉल्टिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ डी सॉल्टर्स। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे क्रूड स्टेबिलाइजेशन, फ्लैश एंड मल्टी स्टेज सेपरेशन या कैलकुलेशन। ठीक है।